हेलो एवरीवन, मैं हूं विनोद पारिक। वोकैबुलरी सीरीज के वर्ड ऑफ द डे में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम एक नया वर्ड सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है डिप्राइव। क्या होता है ये डिप्राइव, इसका इस्तेमाल कैसे करें, क्या इसके मीनिंग है, हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का हमारा वर्ड ऑफ द डे क्या है। आज का हमारा वर्ड ऑफ द डे है डिप्राइव। डिप्राइव का इंग्लिश में मीनिंग समझते हैं पहले। टू प्रिवेंट ए पर्सन फ्रॉम हैविंग और यूजिंग समथिंग, यानी किसी व्यक्ति को किसी चीज को प्राप्त करने या किसी चीज का इस्तेमाल करने से दूर रखना या उसे वंचित रखना। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग समझते हैं। वंचित रहना या रखना, महरूम रहना या महरूम रखना किसी को। ठीक है, इसके सिनोनिम्स हैं डाइवेस्ट और बिरीव। डिप्राइव के जगह पे आप इन दोनों शब्दों का भी इस्तेमाल कर बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। पहला एग्जांपल है नेवर डिप्राइव एनीवन ऑफ एनीथिंग, यानी किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज से वंचित या महरूम ना रखें, उसे हर वो सुविधा दें जिसकी उसे जरूरत है। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा एग्जाम्पल है द पुअर आर केप्ट डिप्राइव्ड ऑफ द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लिविंग, गरीबों को जीवन यापन करने की जो आम सुविधाएं हैं, जो आवश्यक सुविधाएं हैं, उनसे उन्हें दूर रखा गया। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा एग्जाम्पल है माय फादर नेवर डिप्राइव्ड मी ऑफ एनीथिंग, मतलब मेरे पिताजी ने मुझे किसी भी चीज से वंचित नहीं रखा, यानी उन्होंने मुझे हर वो सुविधा, हर वो चीज मुहैया कराई जिसकी मुझे जरूरत थी। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट एग्जांपल देखते हैं। द कोविड 19 डिप्राइव्ड मेनी सिटीजंस ऑफ देयर होम्स, अभी हाल ही में जो कोविड 19 डिसीज, जो पैंडेमिक हमारे देश में या दुनिया में चल रही है, इस बीमारी ने कई लोगों को, कई नागरिकों को अपने घरों से वंचित रखा, उन्हें उनसे दूर रखा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको डिप्राइव वर्ड समझ में आ गया होगा। आप अपने रेगुलर कन्वर्जेशंस में इसका इस्तेमाल करें, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और अच्छे वर्ड के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।